खट पर अविनाश, आपका व्यू क्या है? नहीं, मुझे लग रहा है कि मीर वोखाट में जिस प्रकार की गिरावट आई है, आई थिंक जब तक यूएस एफडीए को लेके कोई पॉजिटिव क्लेरिटी आती नहीं है, तब तक मुझे कहना मुश्किल है कि ये स्टॉक में कभी रीरेटिंग आएगी, क्योंकि ऑलवेज हमने देखा है कि जब भी कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तो ये शेयर काफ़ी जोर से गिरता है, उसी तेज़ी से वो बढ़ता है। तो होपफुली अगर ये वालूच की फैसिलिटी का यूएस एफडीए का अप्रूवल आता है और सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स प्लेस में होते हैं तो आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। मैनेजमेंट कमेंट्री ने भी कहा है कि कम से कम 1 या 2 क्वार्टर्स में ये अप्रूवल आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करें, लेकिन क्लियरली एक स्पेकुलेटिव स्टॉक है, इससे मेरे ख्याल से ये बात जरूर ध्यान में रखें कि कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तो स्टॉक गिरने के लिए भी काफ़ी तेज़ी से गिरता है।